हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनावों से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम जेल से बाहर आ चुका है। शनिवार सुबह वो सुनारिया जेल से निकलकर उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम पहुंचा। राम रहीम को कल 40 दिन की पैरोल मिली है, जिसके बाद आज सुबह वह हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकला। उसे लेने के लिए मुख्य शिष्य हनीप्रीत और डेरा प्रमुख का अंगरक्षक प्रीतम सिंह पहुंचे हुए थे। हनीप्रीत के साथ राम रहीम दो गाड़ियों में सवार होकर यूपी के बागपत पहुंचे। वो करीब 9 बजे आश्रम में पहुंचा। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वह राजस्थान में गुरुसर मोरिया में भी जा सकता है। राम रहीम सिरसा आना चाहता था, लेकिन सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। बागपत आश्रम पहुंचकर राम रहीम ने 2 मिनट 15 सेकंड के लिए वीडियो संदेश जारी किया। राम रहीम ने इशारों में चुनावी संदेश दिया, सारी बातें करेंगे आपसे, लेकिन आपने माननी है बात। हमें पता कहने की जरूरत नहीं इतनी बार कि जिम्मेवार आपको जैसे कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने चलना है, उसके अकॉर्डिंग बात करनी है। राम रहीम को हरियाणा सरकार ने ठीक आदमपुर उपचुनाव और पंचायती चुनावों से पहले पैरोल दे दी है। राम रहीम को एक साल में 90 दिन की छुट्टी मिल सकती है। अब तक वो 50 दिनों की पैरोल ले चुका है, अब सिर्फ 40 दिन की पैरोल बची थी, जो कि अब उसकी पूरी हो जाएगी।